Hello students, today we solve question number 2, mixed base. Find the cube root of the following numbers by prime factorization method. I have written this question. Now 2 1 2, 1 9 19, 2 9 18, 1 3 13, 2 6 12, 2 5 10, and 2 2 4. Again 2 9 18, 1 6 16 हुआ, 2 8 16, 2 2 4, एंड 2 6 12. अगेन 2 4 8, 2 9 18, 2 1 2, एंड 2 3 6. 4 9 1 3 है. ये आपकी जो है संख्या जो है 17 से ही डायरेक्ट कटेगी है, तो 17 से अगर आप काटेंगे तो आप यहाँ देख लेंगे 4 9 1 3. ठीक है, तो आपका क्या आएगा 4 9 1 3. 2 बार में जाएगा 72 जा 34, ये हो गया 5 1 1. यह आ गया 17 8 जा 136. तो ये आपका हो जाएगा 11 6 गया 5 1, ये हमारा. और 79 जा 153. ठीक है, यानी ये 2 8 9 बार में 70 से कटा. अगेन 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 1 जा 17, और बचेगा आपका 119. तो 17 7 जा 119. अगेन 17 1 जा 17. तो आप देख रहे हैं कि ये 2 का भी एक सेट है और 17 का है, तो इसके एक सेट से 2 हमने लिया और इसके 17 के एक सेट से 17 लिया. 34 इज अ क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेम यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज नॉट वेरी टफ. कम एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 6.859 क्यूबिक मीटर्स. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम. तो वॉल्यूम तो दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्यूब इक्वल टू 6.859 क्यूबिक मीटर. ठीक है, और हमको इसका साइड निकालना है. तो साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 6.859. ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सिक्स 859 अपान पॉइंट, यहाँ पर था पॉइंट के पास 1030 रिमूव हो गया पॉइंट, ये हमारा. अगर अब इसका हम सॉल्व करते हैं 6.859 का क्यूब रूट अगर फाइंड करेंगे, तो आपको हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि इसको आपको शॉर्टकट में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. अदरवाइज आप तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे क्यूब रूट इसका, और शॉर्टकट में हमने बताया था कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना है तो हम जो है राइट से लेफ्ट की ओर हम 3 का सेट बनाते हैं और इसका फर्स्ट डिजिट देखते हैं क्या कौन सी संख्या है. तो फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है, 9 है. तो 9 जो है, अगर किसी भी संख्या के वंस प्लेस पर 9 है तो उसका क्यूबिक, जब क्यूब निकालेंगे या क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके वंस प्लेस पर 9 ही आएगा. ठीक है, वो 9 ही आएगा. अब बचा क्या, 6. अब ये हम देखेंगे कि ये 6 जो है किन नंबर्स के क्यूब के बीच में है, या इसके ठीक पहले कौन सी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है. तो 6 के ठीक पहले जो परफेक्ट क्यूब 1 के अलावा कोई नहीं है, तो वो हमारी होगी 9 1. तो 1 9 19, यानी ये जो संख्या है इसका क्यूब जो है क्यूब रूट क्या आएगा, 19 आएगा. यानी हम इसको लिख सकते हैं 19 × 19 × 19 अपान 1000 है तो 10 × 10 × 10. ठीक है, यानी जब क्यूबिक रूट निकालेंगे तो यह हो जाएगा 19/10 यानी 1.9 मीटर। तो दिस इज द साइज ऑफ क्यूब। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द क्यूब रूट। क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं पहले। आई हैव रिटन द क्वेश्चंस। तो हमें जो है एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द क्यूब रूट्स। यहाँ हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करते हैं कि कैसे एस्टिमेट करेंगे। फर्स्ट वी ग्रुप द नंबर ट्रिपल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो 3 का हमने ग्रुप लगाया यहाँ पर, फिर अगेन इसका भी 3 का ग्रुप लगाया है। तो राइट से लेफ्ट की ओर हम लगाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप जो है हम देखते हैं उसका 1 प्लेस पर कौन सी संख्या है। तो 1 प्लेस पर क्या है, 7 है। तो आपको बताया था कि किसी भी नंबर के 1 प्लेस पर अगर 7 है तो जब भी आप उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके 1 प्लेस पर 3 आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पर अगर 3 होता तो उसके जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके 1 प्लेस पर 7 आएगा। यानी जब 3 रहेगा तो 7 आएगा और 7 रहेगा तो 3 आएगा। तो हमने इसको तो सॉल्व कर लिया कि अगर हम इसका संख्या का क्यूब हम निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, तो उसके 1 प्लेस पर निश्चित रूप से 3 ही आएगा, क्योंकि अगर 7 है तो इसका क्यूब रूट जब निकालेंगे तो उसके 1 प्लेस पर 3 आएगा। अब आते हैं सेकेंड ग्रुप में जो है लेफ्ट साइड में है, यह देखते हैं 804। है ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि 804 है सेकेंड ग्रुप में। तो ये जो है किस संख्या के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम 8 का अगर क्यूब निकालते हैं तो 512 होता है, 9 का क्यूब जो है 729 होता है, और 10 का क्यूब जो होता है 1000 होता है। यानी इसका मतलब यह है कि 729 और 1000 के बीच का ये क्यूब है। तो हम जो है 9 और 10 में से हम जो है सबसे छोटी वैल्यू जो है लेंगे। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो सबसे छोटी वाली जो संख्या है 9 वो ले लेंगे। तो ये हमारा पता चल गया कि इसका क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो हमारा 93 आएगा। शॉर्ट ट्रिक से हमने बताया है। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट वी मेक अ ग्रुप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट संख्या का। एक हमने फर्स्ट ग्रुप लग गया और ये सेकेंड ग्रुप हो गया। फ्रॉम द राइट साइड 1 प्लेस पर देखेंगे, फाइंड आउट द 1 प्लेस नंबर इज 2। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट वंस नंबर इन अ क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। तो इस नंबर का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके 1 प्लेस पर डेफिनेटली 8 आएगी, क्योंकि ये रूल्स है कि अगर आप जो है क्यूब रूट किसी संख्या का निकाल रहे हैं और उसके 1 प्लेस पर अगर 2 है तो जब भी हम उसका जो क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके 1 प्लेस पर निश्चित रूप से 8 ही आएगा। आप देख लीजिए 2 का अगर क्यूब करें, 2×4 = 8 आ रहा है। तो कोई भी संख्या इसके साथ रहेगा तो उसके 1 प्लेस पर डेफिनेटली 8 ही आएगा। तो हमने फर्स्ट ग्रुप को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट अब एस्टिमेट देखेंगे कि 474 जो है किन दो जो है नंबर्स के बीच का क्यूब के बीच का है ये। तो उसमें हम सबसे छोटी वैल्यू लेंगे। तो 400 जो है अगर हम जो है देखें, 4 का अगर क्यूब निकालें तो क्या होना चाहिए, कम हो जाएगा 5 का 125 हो रहा है, 6 का आप क्यूब निकालें देख रहे हैं तो ये हमारा 7 का क्यूब अगर देखें तो 343 आता है। 7×7 = 343 आता है, इससे बहुत कम है। 8 का देखते हैं तो 8 का अगर क्यूब करते हैं तो 512 आता है। तो यानी 343 एक क्यूब संख्या है, नंबर है, और 512 भी एक जो है क्यूब नंबर है। तो इन दोनों के बीच में है। तो सबसे छोटी संख्या जो 7 है उसको हम ले लेंगे। यानी अगर एस्टिमेट करेंगे इसको तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 78 आएगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, फर्स्ट वी ग्रुप द नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 3 डिजिट का एक सेट बनाएंगे। द फर्स्ट ग्रुप फ्रॉम राइट साइड 379 the one place of this number is 9। तो अगर हम वन प्लेस पर 9 है तो जब भी हम क्यूब निकालेंगे उसके वन प्लेस पर ऑलवेज जो है 9 ही आएगा। ठीक है, दिस इज़ द रूल। किसी भी नंबर के वन प्लेस पर अगर 0, 1, 4, 5, 6 या आपका 9 है तो कभी भी जब भी उसका क्यूब निकालेंगे तो उसके वन प्लेस पर सेम वैल्यू ही आ जाती है। तो इससे हमारा ये 9 तो पहला इस पूरे संख्या का जब क्यूब निकालेंगे तो ये तो पता चल गया कि इसके वन प्लेस पर क्या होगा, हमारा 9 होगा। एंड नाउ द इन द सेकेंड ग्रुप वी फाइंड द जस्ट बिफोर एंड आफ्टर परफेक्ट क्यूब। वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर वो क्या है तो देखते हैं। 5 का अगर क्यूब निकालते हैं तो 125 होता है। 6 का अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 212 आएगा, 216 आएगा। ठीक है, तो उसका जो है 216 आएगा। इट मीन्स ये 5 का जो क्यूब 125 और 6 का 216 होता है तो दोनों के बीच में है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है 5 उसको हम ले लेंगे। तो यह एस्टिमेट हो गया। जो हम बोल रहे हैं उसी तरह स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखना आपका होगा। मैंने डायरेक्ट ये क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी ग्रुप द नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, टू ग्रुप्स आर देयर फ्रॉम द राइट साइड। फर्स्ट ग्रुप इज द वन प्लेस डिजिट इज 3। अब वन प्लस डिजिट अगर 3 है तो कभी भी जब हम क्यूब इसका निकालेंगे तो उसके वन प्लेस पर ऑलवेज 7 ही आएगा। अब 3 का देखिए क्यूब निकालिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 3 जा 27। इसके वन प्लेस पर क्या आया, 7 आया ना। तो अब इस संख्या का क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके वन प्लेस पर डेफिनेटली 7 ही आएगा। तो ये ग्रुप तो मेरा फिनिश हो गया। अब आते हैं लेफ्ट साइड के ग्रुप में 658। तो 658 है तो ये हम देखते हैं। अगर हम 8 का इस क्यूब देखते हैं 512 होता है और 9 का क्यूब जो होता है वो होता है 729। यानी 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का क्यूब जो होता है 729। ये जो संख्या है इन दोनों के बीच में है। तो सबसे छोटी संख्या जो है 8 का क्यूब ये हम लेंगे यहाँ पर। तो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। Thank you. We will solve next question in next video.